हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे और वेल्दी होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे एक जो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर लेस कांटेक्ट है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है, ये उन लोगों के लिए जो है रीडिंग है। ठीक है, जहाँ पे एक इनसिक्योरिटी जो एनर्जी मुझे मिली है, एक इनसिक्योरिटी, एक डर, एक बर्डन जो है कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हैं इस रिश्ते में। चलिए देखते हैं कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या बताना चाहते हैं आप यूनिवर्स? प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स आया, दूसरा कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव कार्ड्स हमने लेने हैरोफेंट। ओके जी, यहाँ बॉटम में देखो, अभी मैंने क्या बोला था, एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, डर और इनसिक्योरिटी के साथ साथ टेन ऑफ कप्स भी हमें मिला है। चलिए ओके ओके, देखिए अगर मैं आपकी बॉटम की एनर्जी देखूं तो आप जो है करंटली एक ऑन ऑफ सिचुएशन में है, जहां पे आप जो है एक शायद आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है इस रिश्ते को लेकर। आपके अंदर जो है एक, देखो यहाँ पे आप ध्यान दें, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पहले मैं साइन बता देती हूँ, कई लोगों को साइन भी जानने होते हैं। तो यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ही साइन है। देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स आया है, पहले 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 कार्ड को देखते हैं। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स आने का मतलब क्या होता है? देखो करंटली अगर मैं आप लोगों के बीच में आपके रिश्ते को देखूं, जहां पे एक ऑन ऑफ सिचुएशन के साथ साथ कुछ आप लोगों के बीच में कुछ विचारों का आदान प्रदान हुआ है, मतलब विचारों का आदान प्रदान का मतलब क्या है कि किसी ने, जैसे मान लो आपने कुछ ऐसा बोल दिया या फिर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा बोल दिया। ठीक है, कि मतलब आप लोगों के बीच में एक लेस कांटेक्ट मुझे नज़र आ रहा है और कांटेक्ट, मतलब आपको पता क्या लग रहा है, देखो आप यहाँ पे एक फोर ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी हैं, कि आपको लग रहा है आपको आपको अपने पास से निकलने में भी बड़ा डर लग रहा है। अगर आपने इस इंसान को छोड़ के आगे निकलना है तो आपको उससे भी डर लग रहा है, आपको अपनी उसमें भी आपको इनसिक्योरिटी है। अभी आप जो है एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप, मतलब आपने डिसीजन मेकिंग भी कर ली है लेकिन इनसिक्योरिटी भी है, आपने कुछ निर्णय ले भी लिया है लेकिन डर भी ले हैं साथ साथ। ठीक है, मतलब एक न्यू बिगनिंग से आप डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कि एक नया सोच बनाने में, एक नया इंसान अगर आपकी लाइफ में मुझे यहाँ कोई दस्तक देता हुआ नज़र आ रहा है, ये कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकती है। ठीक है, जो आपको आपकी फैमिली दिखा रही है, ठीक है, जो आपकी फैमिली के द्वारा आपको दिखाई जा रही है, या फिर ये कोई आपका ऐसा इंसान है जो आपसे प्यार करता है, जो आपको मैरिज की ऑफ़र दे रहा है। अब ये आपका जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये वो इंसान भी हो सकता है, या फिर आप, आपको किसी रिश्ते से बाहर निकलना है,
जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये जो है यहाँ पे जो मैं और नहीं रुक सकता, ठीक है, क्योंकि शायद आपको लग रहा है कि अब जो चीज़ें हैं एक अच्छे तरफ जा रही हैं, मतलब आपको ऑटोमेटिकली अंदर से एक हीलिंग की एनर्जी है जहाँ पे आप, आपको लग रहा है कि आप हील हो चुके हैं। अब अगर आपकी लाइफ में थोड़े बहुत जो दुख हैं या ट्रबल्स हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ में है चाहे वो आपकी करियर लाइफ में है, आपको वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लग रहे, आपको लग रहा है कि ठीक है, मतलब आप एक, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे न्यूट्रल मोड पे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब कुछ बेहतर होगा, अब जो है एक अंदर से एक आपके अंदर जो है कि अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कहीं पे भी आप न्यू इन्वेस्ट करने लगे हैं या फिर आप किसी पुराने रिश्ते से बाहर निकलने लगे हैं या न्यू इन्वेस्ट करने लगे हैं, या फिर कोई भी आपके आगे आपकी मैरिज प्रपोज़ल है, जहाँ पे आप थोड़ा डर रहे हैं पास्ट की एनर्जी से, जहाँ पे आप थोड़े डर और इनसिक्योरिटी में मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको, आपके लिए वर्दी होगी या नहीं होगी, ये इंसान जो है आप, आपकी लाइफ में एक अच्छा साबित होगा, जहाँ पे आपको एक फुलफिलमेंट, एक फैमिली की हैप्पीनेस, एक कंप्लीशन, एक कंपैटिबिलिटी, तो इस तरह की एनर्जी मैं आप लोगों को देख रही हूँ, ठीक है। चलिए अब हम थोड़े से कार्ड और निकालते हैं। पहले मैं इस, ये नया डेक आया है मेरे पास, इससे जो है आपके पार्टनर के मैसेज या उसके दिल की भावनाएं हम जानने की कोशिश करते हैं, या क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड की। ओके ओके, दो आए हैं, दोनों ही ले लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ मिल जाए हमें आंसर। यहाँ पे आया एक डिसएग्रीमेंट और कमिटमेंट। देखिए मैंने कहा ना, या तो आपको जैसे एक, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई मैरिज कमिटमेंट या मैरिज को लेके ऑफ़र या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में दाखिल होता मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप अपने आप को, आप सेटिस्फाई नहीं हैं अपने आप से, अपनी करंट सिचुएशन से, और जहाँ पे आप जो है एक न्यू इन्वेस्टमेंट करते हुए एक डर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शायद पास्ट में चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं, या फिर आप किसी चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं पा रहे, ठीक है। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। देखिए अगर आप किसी के लिए, पर्टिकुलर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ये पार्टनर आपको, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में अच्छा नहीं हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो तय था लेकिन वैसा नहीं हुआ, ठीक है, चाहे आप लोगों ने आपस में कोई मिलना था या बात होनी थी या कहीं जाना था, वो चीज़ जो है एक, आप एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ना पहले सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला है जो एक अनसेटिस्फेक्शन को बताता है, और यहाँ पे डिसएग्रीमेंट भी यही कार्ड हमें कहीं ना कहीं बताता है कि कुछ ऐसा था जो आप लोगों के बीच में डिसाइड था जो नहीं हुआ, जिस वजह से आपको लगता है कि जो आपका पार्टनर है वो क्या है, मतलब खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स मिला हमें, या आप खुश नहीं हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन बनी है जहाँ पे ये इंसान आपको कह रहा है कि आप अंडरस्टूड, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ आई फील। नेक्स्ट है कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। देखिए बिल्कुल, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया है, चाहे वो आपकी, आप किसी से लव मैरिज करना चाह रहे हैं या कोई पार्टनर ने आपको मैरिज के लिए प्रपोजल दिया है, जहाँ पे आप थोड़ा डर रहे हैं, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, ये आपका वही लव वन भी हो सकता है जिसके लिए आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं, या फिर चाहते हैं वहाँ से आपको मैरिज या कोई कमिटमेंट मिले, ठीक है। यहाँ पे मेन जो है आप लोगों की जो करंट सिचुएशन है, जो एक, जो वादे, जो कस्में, जो एक
जिस चीज़ से ये रिश्ता जो है स्टार्ट हुआ था वहाँ पे कहीं ना कहीं वैसा नहीं हुआ है। तो आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील, कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि मैं जो है कैसा फील कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देखो हो सकता है ये इंसान मैरिड है, आपका पार्टनर जो है, या पार्टनर या जिसके लिए भी आप ये का रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान मैरिड है, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स, ठीक है। तो उसको ये लगता है कि जहाँ पे मेरी एक प्रायोरिटीज़ हैं, जहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मेरी फैमिली है, या फिर वो मेरा कोई बच्चा है, या फिर मेरा कोई वो छोटा बहन भाई है, जिनको मुझे एक इमोशनली सपोर्ट देना है, जिनकी मैं एक इमोशनली नीड हूँ, ठीक है, या फाइनेंशली नीड हूँ, उनका मुझे ध्यान रखना है। तो मेरे ऊपर वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोगों के बीच में ये डिसएग्रीमेंट हुआ है, या फिर एक कमिटमेंट इशू हुआ है। ये आपके पार्टनर की वर्डिंग है जो ये आपको कहना चाहता है। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, या फिर एक मैरिज से निकल के वो इंसान आपसे मैरिज करने का सोच रहा है, या आप उससे सोच रहे हैं, इस टाइप का सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन दोनों ही साइड में अगर हम देखें तो एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ बड़ा अच्छा कार्ड लग रहा है, ये बहुत शाइन कर रहा है मेरी नज़रों में यहाँ पे, चाहे कर रहा है या नहीं, लेकिन मुझे ये बहुत चमकता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ फोन से, ठीक है। तो मुझे ये बहुत चमकता हुआ नज़र आ रहा है, और ये एक मतलब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह ना देख के एक डर की तरह देख रहे हैं। आप डर लग रहा है, आप हो सकता है आपने पास्ट को बहुत ज़्यादा, आप पास्ट में आपके जख्म हैं जो जो आपके पास से रिलेटेड है, शायद आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस रिश्तों को लेकर कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, जहाँ पे आप फियरफुल हैं, या फिर अपने आप को उस लायक नहीं समझ रहे हैं, या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हैं। आपको अपने गुड लक, आपको अपने लक पे भी एक तरह से, जैसे एक होता है ना कि पता नहीं मैं लक मेरा साथ देगा या नहीं देगा, तो वो चीज़। तभी यहाँ पे देखो किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड जो है रिवर्स आया है, मतलब प्रैक्टिकल आप हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल हो के सोच नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं, आपको कोई डिसीजन लेना है जो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू आपके पास कोई ऑफर हो सकती है, शादी को लेके हो सकती है, जिसमें आप डर रहे हैं, सोच रहे हैं, जहाँ पे आपको, और हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये चीज़ें आप उसी से चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या जो है इस रिश्ते में आगे क्या होता है। पहले तो ये देखते हैं कि इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग रखता है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, जिसके लिए मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए करंट एनर्जी में, ये करंट एनर्जी में आपके लिए किस एनर्जी में है, किस फीलिंग में है, बताएं हमें। हेरोफेंट, देखिए अगेन हेरोफेंट का कार्ड, देखिए हो सकता है इस इंसान को लगता है कि ये जो है अपने आप को बदल नहीं सकता, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो टीचर हो, प्रोफेसर हो, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जहाँ जहाँ वो दूसरों को सिखाता हो, या दूसरों को मॉरल वैल्यूज़ बताता हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी ऐसी पर्सनालिटी है, ठीक है। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, हो सकता है जिसके लिए आप देख रहे हैं वहाँ पे कोई कास्ट का, कोई कम्युनिटी का ऐसा इशू भी हो सकता है, आप लोगों का जो एक धर्म अलग हो। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, ये कार्ड लव मैरिज को भी बता रहा है, यहाँ बार बार आके या तो आपकी किसी से लव मैरिज होने वाली है। कुछ लोगों के लिए जैसे एक डिवाइन टाइम जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी मिला है इसके साथ। हेरोफेंट मतलब शादी, और वो भी शादी का कार्ड होता है। 10 ऑफ कप्स जो पहले हमें मिला है, तब भी हमें हेरोफेंट मिला है, हेरोफेंट के साथ 10 ऑफ कप्स और अगेन हेरोफेंट। तो ये हमें बता रहा है, हो सकता है आपका डिवाइन टाइमिंग जो है आ चुका है, और हो सकता है जिससे आप सोच रहे हैं, या फिर जिससे आप ऑन ऑफ सिचुएशन में, उस इंसान से आपको कोई मैरिज, कोई कमिटमेंट मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है,
ठीक है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डर इनसिक्योरिटी में हैं या किसी तरह का कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें अब अच्छी होने वाली हैं जी। ठीक है, एक गुड लक जो है आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कोई करियर से रिलेटेड भी कोई बिगनिंग हो सकती है कि हो सकता है आपको कोई अच्छी जॉब या कोई अच्छा करियर मिल जाए, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा जो है एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मुझे आती नज़र आ रही है। ओके, और बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स की जिसके लिए वो जानना चाह रहे हैं, वो इंसान जो है इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी, जहाँ पे अभी ऑन ऑफ चल रहा है। आउटकम का मतलब होता है कि नतीजे में क्या आएगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं इस रिश्ते का फ्यूचर आउटकम, जहाँ पे भी मेरे व्यूअर्स जो है एक ऑन ऑफ या नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट या फिर कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन कुछ ना कुछ शक शुबा, एक दूरी सी आ गई, एक डर आ गया है, एक अगर उनको कोई नई प्रपोज़ल भी है तो वहाँ पे भी वो डर रहे हैं, या फिर यहाँ पे जैसे कि हमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून और टेन ऑफ कप्स और हेरोफेंट मिला है, जो हमें एक डिवाइन टाइमिंग को बताता है, जहाँ पे आप जिसके लिए सोच रहे हैं हो सकता है उससे आपको कोई कमिटमेंट मिल जाए। कब तक मिल जाएगी? 3 महीने के अंदर मिल सकती है। यहाँ पे देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो देखो अभी जो है डिवाइन, जिसके आगे आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स या बहुत ज़्यादा दुहार लगाई है या प्रेयर करी हैं या उनके आगे जो है आप सरेंडर हुए हैं भगवान डिवाइन यूनिवर्स के आगे, वो आपको ये कह रहा है कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं और प्रकृति डिवाइन यूनिवर्स भी आपके साथ है। ठीक है, काम चल रहा है आपकी इसी जो जिस उधेड़बुन में आप लगे हुए हैं उस पे काम, जो आपकी दुआ है, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर हैं भगवान की, लेकिन आपके एफर्ट्स जो हैं रंग लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी मिला है पहले, तो गुड लक आपके साथ है। आपके जो एफर्ट्स हैं उनका आपको जो है एक, बस आप थोड़ा अपनी फियर और ये जो कभी क्या सोचना कभी क्या सोचना, उस एनर्जी से बाहर आए। ठीक है, थोड़ा आप सरेंडर करें भगवान को। और बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, किस एनर्जी में? देखो आप क्या है, मैं आपको बताऊं कि आप कहते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता, तो आपका वो हिसाब है। या तो आपके पास्ट के, मैंने पहले ही बोला, पहले भी ये चीज़ बोली और अब भी बोल रही हूँ कि जहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही हैं सामने से, आप भी पॉजिटिव एनर्जी में हैं, आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो डर सताए जा रहा है, आपको वो जैसे कहते हैं ना कि खो देने का, या फिर आगे कुछ बुरा ना हो जाए, इस तरह की सिचुएशन, मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से कंटेम्पलेट कर रहे हैं चीज़ों को, स्थिति को अपनी। ठीक है, और जिस वजह से आप एक सर पकड़ के एक टेंशन में, एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, थोड़ा इस एनर्जी से बाहर आएं। आप आना भी चाहते हैं और आ भी जाएंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ कप्स और ये अच्छे अच्छे हेरोफेंट ये कार्ड हमें मिल चुके हैं। तो डिवाइन आपको ये कहना चाह रहा है कि जिस चीज़ में आपने एफर्ट्स लगाए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 नंबर इज़ सिग्निफिकेंट एंड 9 नंबर इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। 8 नंबर होता है शनि का और नेक्स्ट जो है 9 नंबर होता है मार का, मंगल का। तो हो सकता है इस टाइम के दौरान आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हैं, अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप चिड़चिड़ा के, लड़ाई झगड़ा, ये इस मोड में बात बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कार्ड मुझे किंग ऑफ सॉर्ड भी मिला है ना, तो हो सकता है कि वो लड़ाई में बदल जाती है। इन दिनों आप अपने आप को इस टाइप का पा रहे हैं कि आपको लग रहा है अननेसेसरी टेंशंस, आप अपनी नींद नहीं ले पा रहे हैं टाइम जितनी लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ऐसे चीज़ें क्या होंगी, देखो इतनी बिगड़ी हुई नहीं है जितनी आप बिगाड़ लेंगे, तो आपको एफर्ट्स करना है। डिवाइन आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे रही है कि वो आपके साथ है, और कहीं ना कहीं अगर आप पास्ट की में अगर गलत हुआ था जो चीज़ें, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम भी गलती हो।
हाँ ठीक है, आपका डरना आपका फियर वो एक अलग चीज़ है। चलिए नेक्स्ट बताएं भगवान जी मेरे व्यूवर्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके 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 ओके, नेक्स्ट तो यही लूँगी। देखिए जस्टिस का कार्ड आया है जो बताता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, क्योंकि पहले भी हमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून और अब ये जस्टिस का कार्ड मिला है कि जो आप चाह रहे हैं वो पूरा होगा, चाहे वो कुछ भी है, जो भी आप चाह रहे हैं आप पूरा होगा, ठीक है। लेकिन आप उसमें देखिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप एफर्ट्स लगाएं, लेकिन इसका जैसे आप देखेंगे जस्टिस में इस जो भी ये राजा है या जो भी है, उन्होंने जो जस्टिस करने के लिए बैठा है उसने रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहना। रेड कलर आपको पता है, रेड कलर मार का कलर होता है, मंगल का कारक होता है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई मंगल कार्य, जैसे शादी कोई इस टाइप का कार्य है, या फिर शादी के लिए आपको कोई देखने आया है जहाँ में बात पक्की हो सकती है, या फिर जो भी आपका लव पार्टनर है जिससे भी जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे आपकी शादी हो सकती है, उससे शादी हो सकती है, या शादी से रिलेटेड आप उससे मिल सकते हैं, अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, फैमिली को वो मिलवा सकता है, इस टाइप का सिनेरियो भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, कार्ड्स में मतलब कहने का मतलब जितना आप डर रहे हैं ना तो मत डरें, थोड़ा फ्री विल होके थोड़ा भगवान पे छोड़ें, क्योंकि भगवान आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा प्लान कर रहा है जो हमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून से पता लग गया, और साथ में ही 10 of cups और दोनों ही अपराइट है। प्लीज़ तो इससे हमें पता लग रहा है कार्ड से कि भगवान जी यूनिवर्स आपके लिए अच्छा अच्छा प्लान कर रहा है। और बताएं पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके जी, देखिए बहुत सोच समझ के आप किसी से बात करें, क्योंकि इन दिनों जैसा कि मैंने बताया कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा जो है डर में हैं, जिस वजह से हो सकता है आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, या आप किसी से कोई झगड़ा मोल लें, या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी को नोटिस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा किसी को नोटिस ना करें, ठीक है, अपने से अपने मतलब रखें। और अगर आप अपने थॉट से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बार बार किसी की मैच्योरिटी या किसी की छोटी छोटी बातें जो आपको दुख दे रही हैं, मतलब जो उस इंसान ने ऐसी करी हैं जो आपको दुख दे रही हैं, मतलब आपको लगता है कि मतलब कुछ भी कोई भी चीज़ जो आपने अपने अंदर रखी हुई है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उसके लिए कि ये इंसान बड़ा मैच्योर है, मैं देखूं ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है, तो थोड़ा जो है ऐसा आप हो सकता है कर रहे हैं कि आप इस इंसान को चेक कर रहे हैं, या फिर ये आपको चेक कर रहा है, आप पे नज़र बनाए हुए हैं, या कोई और ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में एक तरह से एंट्री करना चाहता है। यहाँ पे ये भी एक मेरे को से मतलब वो मिल रहा है कि जो आपको बड़ा नोटिस कर रहा है, चोरी चोरी वो आप पे नज़र बनाए हुए है, तो ये कौन हो सकता है, ये वो इंसान हो सकता है, वही वाला ऑन ऑफ वाला ही है, ये वही इंसान है जिसने इस रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन को कंटिन्यू रखा है। ठीक है जी, ये ऐसा इंसान है जो अब चेंज हो चुका है, ये इंसान आपको लेके कोई डिसीजन मेकिंग करी है इसने। ओके, देखिए नेक्स्ट मुझे जो कार्ड मिला है 5 of swords, ये इंसान आपको ये कहना चाहता है कि अगर आप इस इंसान के बारे में जो भी दृष्टिकोण या जो भी विचार या जो भी थॉट आप बना चुके हैं, ये इंसान आपको ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छा है, ये आपके पार्टनर की तरफ से या जिसके लिए भी आप रीडिंग दे रहे हैं, मैं उसकी तरफ से कह रही हूँ कि आप मेरे लिए जो भी सोच चुके हैं, जो भी विचार बना चुके हैं, चाहे आप मुझे इमेच्योर कहें, चाहे आप मुझे ये सोचते हैं कि मतलब कुछ भी आप सोचते हैं, तो मतलब आपको ये इंसान ये कहना चाहता है कि कोई धारणा जो आप इसके लिए बना चुके हैं,
तो आप कहीं ना कहीं अपने मन में जो धारणा बना चुके हैं, तो ये इंसान आपको ये कहना चाहता है कि अब वो पहले वाला नहीं रहा ये इंसान। अब अगर ये आपको अप्रोच कर रहा है या फिर एक, तो ये अपने आप को बदल के आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है जी। और देखते हैं क्या होता है आप लोगों के लिए। ये तो और मेजर अरकाना से देख, मेजर अरकाना से डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है करंटली। द टावर, तो या आप टावर मोमेंट्स से गुजर रहे हैं, पता नहीं ये टावर कार्ड मुझे इतना पॉजिटिव क्यों लगता है। हमेशा इस कार्ड में ऐसा दिखाया जाता है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, और मुझे ये कार्ड बड़ा पॉजिटिव लगता है। उसके साथ ही आपको मिला है एम्परर रिवर्स, ओके जी। तो आपको ये, आपके लिए, आप हो सकता है आप अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, आप अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए अपनी ईगो को ख़त्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि आपकी ईगो कम हुई है पहले से ज़्यादा। या फिर जिसके लिए आप देख रहे हैं उसकी एनर्जी है, मुझे लग रही है कि उस इंसान के अंदर बहुत, कहते हैं ना, हट के चेंजेस आए हैं उस इंसान के। और वो कहीं ना कहीं आपको ये भी कहना भी चाह रहा है कि आप उसके लिए अगर कोई धारणा बना के बैठे हैं या कोई सोच जो है आप पक्की करके बैठे हैं कि ये ऐसा है या ये वैसा है या ये ऐसे करता है या इसने ऐसा किया है, तो वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, आपका पार्टनर या जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, कि आप जो है कोई धारणा पक्की अगर आपने करी हुई है अपने मन में, तो थोड़ा सा जो है उससे अलग हटके भी आप सोचें और इसको ऑब्जर्व करें, इसको देखें कि ये जब पहले वाला वो इंसान नहीं है, इसके अंदर बिग चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है जी। हो सकता है ये इंसान बहुत एरोगेंट था या फिर बड़ा एक, जैसे कहते नहीं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसने अपने आप को काफ़ी, तभी यहाँ टावर का कार्ड मुझे बड़ा पॉजिटिव लगा कि इस इंसान के अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। आप इससे बात करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर पता लगेगा कि इस इंसान के अंदर काफ़ी ऐसे चेंजेस आए हैं। ये अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, हेरोफंट का कार्ड रिवर्स और पहले अपराइट आया था, तो अगर ये इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं था तो अब रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये पहले बहुत स्टबन था तो उसने अपने आप को चेंज किया है, ठीक है। अगर ये कोई निर्णय नहीं लेता तो इस इंसान ने कोई निर्णय लिया है, क्योंकि हमें टू ऑफ वॉन्ट्स भी मिला था, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में क्या आ रहा है भगवान जी बताएं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में, नेक्स्ट एक्शन में क्या आ रहा है। ओके, अगेन जस्टिस का कार्ड, लेकिन यहाँ पे जस्टिस रिवर्स आया था, वहाँ पर रिटायर। तो जस्टिस रिवर्स आने का मतलब है यहाँ पे कि कुछ थोड़ा सा आप भी जो है सहयोग दें अपने गुड लक को लाने में आपकी लाइफ में। तो अगर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, इनसिक्योरिटी है, तो डर किस बात का, कहते ना वो कृष्ण जी का जो ये गीता का जो सार है, अगर आप गीता पूरी नहीं पढ़ सकते तो उसका सार पढ़ा करें, जिसमें आपको कहा गया कि किस बात से तू डरता है, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, कि जो आपको मिला है वो भी यहीं से मिला है। मतलब अगर इस इंसान से आपको कुछ भी मिला है, चाहे बुरा ही मिला है, चाहे इस ये लेकिन वो चीज़ें हो सकता है कि वो चेंज भी हो रही हैं आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप भी गलत थे। ये जस्टिस का कार्ड क्योंकि अब रिवर्स आया, पहले राइट अपराइट आया था, तो अब ये रिवर्स आके शायद ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको खुद में भी सुधार करनी है, ठीक है जी। जो क्लैरिटी आप दूसरों से चाहते हैं, वो क्लैरिटी आपको अपने मन में भी लानी है, ठीक है। हो सकता है आप ही अपने मन में क्लियर नहीं हैं, तो आपको भी अपने आप को, अपने मन को, अपने को स्थिर रखना है और उससे पूछना है कि वो क्या चाहता है, ठीक है जी।
तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन आने से कोई रोक नहीं सकता। देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जब भी आप देखेंगे कि जब भी किसी चीज़ में चेंज आता है तो क्या होता है, अब हम कहते हैं कि ये चीज़ पहले थे, पहले 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 करते रहते हैं, लेकिन अगर पहले जो वो पास था वो अगर इतना अच्छा होता तो वो चेंज ही क्यों होता। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हमेशा जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो कुछ गलत है, चाहे वो रिश्तों में है, चाहे वो आपकी लाइफ में है, उसका अच्छे में बदल जाना, इम्प्योरिटीज़ का प्योरिटीज़ में बदल जाना, ठीक है, या फिर जो भी गलत था वो ख़त्म हो जाना, कोई नया चेंज आना, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होना, या आपकी बेहतरी के लिए कुछ चेंज होना, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जितनी मैं बना पाई। देखो अभी भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने रीडिंग बना दी। अब जैसी भी बनी है आप सुने और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें।